हम उतना अच्छा बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टीम बिल्डिंग। बगैर टीम बनाए कोई काम हो सकता है? आपकी अच्छी टीम बनेगी आपके अच्छे कम्युनिकेशन के साथ। अक्सर हमारे जहन में कोई ना कोई मसाइल होते हैं ना, और किसी को हम ढूंढते हैं कि उसके पास जाएं और अपने उस मसले को हल करें। उसमें क्या सलाहियत होती है? सुनने की, समझने की और फिर आपको कन्विंस करने की। आपकी भी शख्सियत में ये सलाहियत पैदा होगी कि जब आप सुनने की, समझने की और फिर उस पर रिएक्ट करने की सलाहियत को अपने अंदर पैदा करेंगे। प्रेजेंटेशन एंड काउंसलिंग स्किल्स, सारी बात हो गई तो प्रेजेंटेशन भी तो आनी चाहिए ना। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है आपकी बात का असर नहीं। तो हकीकत यह है कि कम्युनिकेशन कोई साइंस नहीं है, एक आर्ट है। आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं ये कह के कि दी मुझे इसी से इलाज कराना है, क्यों? मेडिसिन तो सबने किया है, डिग्री सबने ली है। फर्क क्या है कि जो आपको मुतमईन कर सके कि जो इलाज उसने तजवीज किया है वो आपके लिए बेहतर है। इतने सिंगल्स हैं, आप किसी को अपना फेवरेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसने म्यूजिक की साइंस तो पढ़ी लेकिन उसको एक आर्ट के तौर पर पेश किया। तो इसी तरह कम्युनिकेशन भी एक आर्ट है, जहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से कहना है। ये दो चीजें आप जितनी अच्छी सीखते जाएंगे आप उतने अच्छे कम्युनिकेटर बनते जाएंगे। ये कभी गौर किया कि अल्फाज के अलावा कौन सी चीजें जरूरी होती है? क्या क्या है? आपकी वॉइस क्लियर हो। अगर मेरी आवाज आपको नहीं आएगी मेरी सारी बात का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मेरी आवाज नहीं पहुंची ना तो आपके जहन में सवाल आया, मेरी बात क्लियर हो ही नहीं सकी। अपीयरेंस, क्योंकि आपकी आंखें आपके कानों से पहले काम करती हैं, तो जो बात कर रहा है उसका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए कि दूसरा उसकी बात को सुने, उस पर अमल करे या ना करे, ये एक थर्ड स्टेज को हम देखते हैं। फेस एंड आईज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका चेहरा मुखातिब के कितने सामने है और आपकी आई कॉन्टैक्ट उसके साथ कितना ज्यादा है। इस पूरी बात को अगर मैं मुस्तकिल नीचे देखते हुए करूं या ऊपर देखते हुए करूं तो बात का असर आधे से ज्यादा वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपके अल्फाज को स्ट्रेंथन करते हैं। पॉस्चर एंड मूवमेंट, आपका बॉडी पॉस्चर मुझे बता रहे हैं ना जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि वो इस बात को सुन रहे हैं। ये फीडबैक मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर आप नहीं सुन रहे हो तो 10 मिनट के बाद ये ह्यूमन नेचर है कि आप जिस जगह बैठे होते हैं उसमें रिलैक्सिंग पोजीशन में आते जाते हैं और फिर आपकी गर्दन या तो दाएं होती है या बाएं होती है। ऐसा ही होता है ना, हम अक्सर ये चीज फील करते हैं। अच्छा, आपको भी ये पता है कि मैं बिल्कुल अटेंटिव हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट, मेरा बॉडी पॉस्चर है। अभी अगर मैंने टेक लगा लिया या मैं झुक गई या मैं बार बार कोई और एक्शन करती रही तो आपको लगेगा कि मैं इस गुफ्तगू को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही। बॉडी रिलैक्सेशन एंड टेंशन, मैम फेशियल एक्सप्रेशन, अक्सर आपकी बॉडी टेंस हो जाती है ना, और खासतौर पर जब आप बोलने के लिए आ रहे हैं तो बोलने से पहले सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है। मैम यू मिस इट, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन को मैंने आपके पोस्चर के साथ कवर किया कि आपके चेहरे पे अगर वो एक्सप्रेशन नहीं है या आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं है जो एक सुनने वाले के हो, आप इस तरह से बात करें, यूं करें, ये क्या है? ये हम बता रहे हैं ना कि हम कन्विंस नहीं है, ये हमारे जहन में सवाल है जो हम कर नहीं पा रहे। तो ऑटोमेटिकली आपके फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह के होते जाते हैं जिस तरह आपका कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस, चलिए इसको एक बड़ी मजेदार सी एक्सरसाइज से समझते हैं। एक मेल एक फीमेल स्टूडेंट, जस्ट फॉर अ मिनट के, गर्ल स्टूडेंट क्विक, स्टार्ट करें, बात करें आप लोग। ये तो एक मिनट से
तौर पे बात समझ में आ गई ना। आप एक दूसरे को जानते भी हो, आप एक दूसरे से बात के इरादे से इकट्ठे भी हो, लेकिन इसने जैसे ही उस पर्सनल स्पेस को भुला दिया और एक फासले को कम किया, उसने उसकी बातचीत को समझना छोड़ दिया और अपने आप को सबसे पहले पीछे किया। हमेशा पर्सनल स्पेस का थैंक यू। इन चीजों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमें कहते हैं एनवायरमेंट की वजह से अपना असर खो देते हैं। सारी बातों को सीखने के बाद जो चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी वो है प्रिपरेशन। आपके टीचर जब एक लेक्चर तैयार करते हैं एक घंटे का, तो ये एक यूनिवर्सल रूल है कि उन्हें तकरीबन 10 घंटे की तैयारी चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस से ज्यादा मालूमात होनी है, क्योंकि आप जब किसी से कोई बात कर रहे होते हैं तो कोई भी सवाल आ सकता है, और तब आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जवाब क्या है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन होगी आप जवाब तभी देंगे, और जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम बहुत जगह पे बात करने से, किसी चीज में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से इसलिए घबरा जाते हैं कि हम समझते हैं कि हमसे अगर गलत हो गया तो क्या होगा। ये गलत होने का डर तब होता है जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती। आइडिया कॉन्शियस कैसे होंगे? आपको पता होना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। मैं ये लेक्चर अगर किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को इसी तरह से दूं तो वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उसका लेवल क्या है और उसके लिए कौन सा तरीका आपको चूज करना है। रिलैक्सेशन। दुनिया में आप किसी स्पीकर की बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं ना बड़ा जबरदस्त स्पीकर है, वो आता है तो ऐसे बात करता है कि बस जहन में छा जाता है, लेकिन यकीन जानिए कि हर स्पीकर जब अपनी सीट से उठकर माइक तक आता है या आपसे मुखातिब होता है, उसके स्टमक में बटरफ्लाइज बनती हैं, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका पसीना बढ़ जाता है और उसकी सांस तेज चलने लगती है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं। एक नॉर्मल इंसान की खूबी होनी चाहिए कि वो इस सिचुएशन पर कितने जल्दी काबू पाता है, वरना हम डर के जाते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है हमसे बात नहीं होगी। ये किसी स्पीकर से आप ये सवाल करें, अगर वो ये कहता है कि वो सिचुएशन से नहीं गुजरता तो ये गलत बयानी होगी। ये नॉर्मल है, क्योंकि आप एक दूसरी चीज के लिए जा रहे होते हैं तो आपका जहन उस चीज में आपको तैयार करने में एक वक्त लेता है। इसलिए बात करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप कभी भी जब सामने आए तो एकदम से बोलना ना शुरू करें उस टॉपिक पे। खास तौर पर अपने आप को रिलैक्स करें, सलाम अलैक करें, आई कांटेक्ट लोगों से बनाएं, देखें उनको। इतनी देर में आपने डीप ब्रीथ भी ले ली होती है। किसी क्यों होती है आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस? इसलिए कि एक रिलैक्सिंग मूड में आप एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक को बना सकें। जब आप उस ताल्लुक को बना लेते हैं तो फिर आप जो दिल चाहे और जितना दिल चाहे बोल सकते हैं। लिसनर की सपोर्ट, लिसनर की बॉडी लैंग्वेज आपको बताती जाती है कि आपकी बात किस तरह उस तक पहुंच रही है। जब भी आप उसको नजरअंदाज करेंगे आपकी बात का असर खत्म हो जाएगा। या ये समझना है कि जी हमें तो बोलते रहना है चाहे कोई सुने या ना सुने, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपकी लिसनर की सपोर्ट आपके लिए अज हद जरूरी होती है। एक एक पॉइंट पढ़ते जाए। Look at your audience. क्योंकि अगर ये सारा लेक्चर में उधर देते हुए करूं, आपको कोई बात समझ में आएगी? No, ma'am. ना बहुत चीख के बोलना अच्छा होता है ना बहुत आहिस्ता। आपको पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन, उस मौके के लिहाज से आपका वॉल्यूम और आपकी स्पीड को क्या होता है। कितने पॉलिटिशियंस को आप जानते हैं ना कि जिनका आप हंसते इस बात पे हैं कि उनकी बात साफ समझ में नहीं आती। क्या एकदम जवाब दिया? इसका मतलब आप क्लियर नहीं बात कर रहे हैं, तो ये भी आपकी पहचान है। आप उस पहचान को अपनाना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस हो सकती है। तो इसलिए क्लियरली बात करना बहुत जरूरी है। आपका हो जो उस जगह उस बात से मैच कर रहा हो। Check your posture and appearance.
बिल्कुल मेक क्लियर ट्रांजिशंस कंक्लूडिंग कमेंट में आपको बताऊं कि अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि बस आखिर में मैं ये आप कभी ना कहें अच्छी बातचीत को आप हमेशा एक सस्पेंस मूवी की तरह बनाएंगे जिसके एंड पे आपको ये तासुर हो कि वाह क्या खूबसूरत एंडिंग थी। हमेशा ये वीकनेस की निशानी होती है कि जब कोई कहना शुरू करता है कि आखिर में ये कहूंगा क्योंकि